बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 थ्योरम नंबर 2, 8.2। ठीक है। इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग एक्यूट एंगल डिमिनिश ट्वाइस बाई वन ऑफ द रेक्टेंगल कंटेंट एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस थ्योरम के लिए हम दो ट्राइंगल्स बनाते हैं और दोनों ट्राइंगल के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। मैं पहले पूरे ट्राइंगल्स बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास हो गए दो ट्राइंगल्स। ये मेरे पास है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है और इसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, इसी वजह से ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर मैंने ये एंगल सेलेक्ट किया है और यहाँ पर ये एंगल सेलेक्ट किया है, एक्यूट एंगल ये भी है, एक्यूट एंगल ये भी है। ठीक है, हमारी सारी बात इस एंगल के लिए होगी, मतलब इसके अपोजिट साइड का स्क्वायर इसके अपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड इस एंगल को बनाने वाले दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम और यहाँ पर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। पहले वाले में 2AP था, यहाँ पर -2AP होगा। कैसे होगा वो अभी मैं प्रोजेक्शन वगैरह बना के आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक बात थी प्रोजेक्शन की कि एक साइड का लेंथ और दूसरे का उसी पर प्रोजेक्शन। तो देखें मैं क्या करूँगा, मैंने इस साइड के प्रोजेक्शन को बनाने के लिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इससे पहले वाले थ्योरम में मैंने आपको थोड़ा सा समझाया भी था, वो आप देख लें, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा जो लेंथ है इसका प्रोजेक्शन सी से डी तक होगा और इसी लेंथ का प्रोजेक्शन बी डी होगा, लेकिन मुझे ज़रूरत है अभी इस साइड के प्रोजेक्शन का, तो मैं सी डी एज ए प्रोजेक्शन लूँगा। बात की समझ आ रही है, और सी ए का प्रोजेक्शन इस लाइन का प्रोजेक्शन सी डी यहां तक होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं उनको नेम्स देता हूं। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा गौर से देखिए, ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया ना लेंस को, मैंने किस किस से रिप्रेजेंट किया उसको जरा गौर से देख लें। ठीक है, यहाँ पर देखें, ए से लेकर सी तक उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, इस पूरे साइड को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया और सी से लेकर डी तक ये जो पूरा लेंथ है ये प्रोजेक्शन है, तो मैंने पी से रिप्रेजेंट किया। किसका प्रोजेक्शन है, इस साइड का प्रोजेक्शन है, इस पर प्रोजेक्शन है। ठीक है, और इसको मैंने हाइट से रिप्रेजेंट किया। इसकी तरफ आ जाएं, ये मैंने रिप्रेजेंट किया बी से, ये रिप्रेजेंट किया सी से, ये पूरा मैंने रिप्रेजेंट किया ए से और ये रिप्रेजेंट किया पी से। अब आते हैं गिवन की तरफ। ठीक है, हम गिवन लिखते हैं फिर टू प्रूफ लिखते हैं। एक और बात, इसको मैं फिगर ए का नाम देता हूं और इसको फिगर बी का नाम देता हूं। ठीक है, ये है फिगर ए और ये है फिगर बी। अच्छा, ये जो मैंने गिवन लिखा ये एस और एस दोनों के लिए है। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, फिगर ए में ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है और फिगर बी में एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। सी बी इज प्रोड्यूस बियॉन्ड बी, कौन से में, सिर्फ इस में हमने सी बी को बियॉन्ड बी प्रोड्यूस किया, तो एक रे बन गई है फिगर ए में। फिर ए डी परपेंडिकुलर है सी बी पर, इसमें और इसमें दोनों में। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए दोनों में। सी डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन सी बी, सी डी जो मेरे पास है ये इसका इस पर प्रोजेक्शन है, सी डी ये इसका प्रोजेक्शन है इसके ऊपर। ठीक है, और मोर ओवर इसके अलावा ट्राइंगल के साइड प्रोजेक्शन और परपेंडिकुलर को हमने बिल्कुल सेम टू सेम जैसे पहले में किया था रिप्रेजेंट किया था उससे बिल्कुल वैसे इधर भी रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अच्छा, अब हम लिखते हैं टू प्रूफ। हमने प्रूफ करना है कि इस एंगल का अपोजिट साइड इसका स्क्वायर, तो इस एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर दोनों में सी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों में एक्यूट एंगल को बनाने वाले साइड्स के स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस टू और टू के बाद इन दोनों साइड्स में से इस साइड और इस साइड में से एक का लेंथ दूसरे का प्रोजेक्शन, तो मैंने इसका लिया लेंथ और इसका प्रोजेक्शन ए पी। यही चीज इसके लिए भी ठीक आ रहा है, आप फिर खुद देख लें। ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अब प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल ए डी सी, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ये ले लें और इसमें भी ट्राइंगल ए डी सी ये ले लें, दोनों में ट्राइंगल ए डी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए डी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन सी बी,
अच्छा ए डी सी बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरा, तो जब मेरे पास ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ये कर सकते हैं इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मैयर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर ए डी स्क्वायर प्लस मैयर ऑफ सी डी स्क्वायर। इन दोनों का तो ये है पिथागोरस थ्योरम। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ये भी दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल है। सिमिलरली ट्राइंगल ए डी बी इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है सी बी पर, ठीक है। अच्छा, तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये वाला इसके लिए ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, यही चीज इस पे देख लें ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन टू का नाम दे दिया। अगले स्टेप में हम इसको अपनी जगह पे लाएंगे, इसको अपनी जगह पे लाएंगे और बी डी को जरा गौर से देखें। बी डी हमने यहां पर कुछ लेंथ लिए हैं, इसमें बी डी कहीं पर भी नहीं है, देखें बी डी मेरे पास कहीं पर भी नहीं है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, मैं बी डी को कन्वर्ट करूंगा। तो मैं इस तरह बी डी, ये बी डी है, अगर मैं लिखूं कि पूरा सी डी माइनस सी बी इज इक्वल टू बी डी, ये मिलेगा ना। तो इसमें मेरे पास बी डी बराबर है सी डी माइनस बी डी और नीचे वाले में बी डी बराबर है सी बी माइनस सी डी, तो वो मैं लिखता हूं मैयर ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर ऑफ ए डी होल स्क्वायर प्लस मैयर ऑफ बी डी की जगह पे सी डी माइनस सी बी होल स्क्वायर अपनी जगह पे, और लिखेंगे कि मैयर बी डी इज इक्वल टू मैयर सी डी माइनस मैयर सी बी, ठीक है। ये कौन से फिगर ए के लिए, फिगर बी के लिए हमने पुटिंग किया, फिगर ए के लिए ये बना। इसी में फिर से पुटिंग करते हैं फिगर बी के लिए, मैयर ए बी स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, मैयर ए डी स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा प्लस बी डी नीचे वाले में, ये बी डी है बराबर है सी बी माइनस सी डी, फिगर बी के लिए, ठीक है। तो मैयर बी डी इज इक्वल टू मैयर सी बी माइनस मैयर सी डी। आप अगर गौर से देखेंगे तो एक चीज है सी डी माइनस सी बी और इसमें सी बी माइनस सी डी, बस इतना सा फर्क है। तो अगर इधर देखा जाए तो इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर में एक खासियत है, वो ये है कि अगर आप यूं करेंगे 5 माइनस 3 होल स्क्वायर या 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, दोनों का सेम आंसर मिलेगा। सेम कैसे मिलेगा, क्योंकि 5 माइनस 3 से 2 होल स्क्वायर मिलेगा और 3 माइनस 5 से माइनस 2 होल स्क्वायर मिलेगा। 2 का स्क्वायर लेने से भी 4 मिलता है, माइनस 2 का स्क्वायर लेने से भी 4 मिलता है। लिहाजा चाहे मैं इसको ओपन करूं या इसको ओपन करूं, मुझे दोनों केसेस में अगला स्टेप जो है दोनों से सेम मिलेगा। इसलिए हम इन दोनों में से कोई एक लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से मैं फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग एनी वन, तो इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया है, इक्वेशन 3 या 2 या 4 दोनों से एक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लेता हूं मैयर ऑफ ए बी होल स्क्वायर मैयर ऑफ ए डी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ओपन करने से मैयर ऑफ सी डी होल स्क्वायर प्लस मैयर ऑफ सी बी होल स्क्वायर माइनस 2 मैयर ऑफ सी डी मैयर ऑफ सी बी, ठीक है। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 गेव सेम रिजल्ट, सो टेकिंग एनी वन फ्रॉम देम, चूंकि हमें ये सेम रिजल्ट देता है तो इन दोनों से जो भी आप ओपन करेंगे आपको ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको अपनी जगह पे नीचे लाऊंगा,
मैयर ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इन दोनों को देखें और इधर देखें, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर, तो इन दोनों की जगह पे मैं लिखता हूँ मैयर ए सी स्क्वायर प्लस मैयर सी डी स्क्वायर माइनस टू मैयर सी डी और मैयर सी बी। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन फाइव का नाम देता हूँ, तो मैं लिखूंगा पुटिंग इक्वेशन वन इन इक्वेशन फाइव। इक्वेशन वन को मैंने फाइव में पुट किया, ठीक है। अच्छा, अब मैयर ऑफ ए बी बराबर है सी स्क्वायर, ए सी बराबर है बी स्क्वायर, सी बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस टू सी डी बराबर है पी और सी बी बराबर है ए, ठीक है। देखिए, ए बी बराबर है सी का, ए सी बराबर है बी का, सी बी बराबर है सी बी या बी सी बराबर है ए का, सी डी बराबर है पी का और बी सी बराबर है ए का, ठीक है। तो सामने हम लिखेंगे, यहां पर सिर्फ इतना फर्क है कि इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, ठीक है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ए पी उधर पी ए, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्री टू जार सिक्स, टू थ्री जार सिक्स, ठीक है। थ्री प्लस टू फाइव, टू प्लस थ्री फाइव, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, बस खत्म हो जाएगा। सी स्क्वायर अपनी जगह पे, ए स्क्वायर को मैंने इधर लिखा और प्लस बी स्क्वायर को मैंने इधर लिखा, ये इधर लाया, ये इधर लाया, इसको कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। माइनस टू ए पी, इसको कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ये हमारे पास था पूरा थ्योरम और इसको हमने प्रूफ किया। थोड़ा सा आप फिर से रिव्यू करते हैं, सिर्फ रिव्यू देख लें। हमारे पास था ये रेड कलर में ट्राइंगल, ऑब्ड्यूस एंगल ट्राइंगल, ये था एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमने आगे प्रोड्यूस किया, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। थ्योरम था कि एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर बराबर होगा, इज इक्वल टू बराबर होगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के प्लस करने का और इन दोनों में से एक का लेंथ और दूसरे का प्रोजेक्शन। इसी तरह यहां पर भी इसका अपोजिट साइड का स्क्वायर, बाकी इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों में से एक का प्रोजेक्शन और दूसरे का लेंथ। तो इसमें हम क्या किया, ट्राइंगल ए बी सी, फिगर ए में ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, फिगर बी में एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिगर ए में हमने सी बी को बियॉन्ड प्रोड्यूस किया है और फिर ए डी इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया है सी बी पर दोनों में, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए सी डी इज प्रोजेक्शन, दोनों में सी डी हमारे पास प्रोजेक्शन है, ए सी का सी बी पर, और इसके अलावा हमने ये रिप्रेजेंटेशन किए हैं, हमने ये प्रूफ करना है। एक पॉइंट याद रखे, बस एक पॉइंट, वो ये बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। पहले थ्योरम में छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करना था और इसमें बड़े ट्राइंगल से स्टार्ट करना है। बड़ा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस पर, सामने वो लिखा, तो फिर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई किया कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो हमने अपनी जगह पे छोड़ दिया। फिर आ गए छोटे ट्राइंगल की तरफ कि ये छोटा ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका रीजन भी लिखा कि परपेंडिकुलर की वजह से। फिर इस पर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, फिर उसके बाद मैंने लिखा कि बी डी सी डी माइनस सी बी फिगर ए के लिए बराबर है और फिगर बी के लिए ये इसके बराबर है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम होता है। मैंने एक्सप्लेन किया 5 माइनस 3 होल स्क्वायर या 3 माइनस 5 होल स्क्वायर सेम चीज होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम रिजल्ट देता है, इसलिए इन दोनों से आप जो भी ओपन करेंगे आपको रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह पे इक्वेशन 5 में मैंने ये पुट किया तो ये मिला, इसमें पुटिंग किया तो ये मिला, कमोटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो ये मिला, ठीक है। बार बार देख लें, बार बार ट्राई करें, लिखने से ये आपके लिए बहुत ज्यादा याद हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।